Hi everyone, this is me Satyan Sharma. The only book that every JEE and NEET aspirant solves during his or her journey is H.C. Verma sir ki book Concepts of Physics Volume 1 and Volume 2. यार मतलब बहुत बढ़िया बुक है, यहाँ तुम देख सकते हो, ये जब मैं प्रिपरेशन करता था तब का एडिशन है, थोड़ा फट गया है बट इट इज स्टिल इन गुड कंडीशन अगर अंदर से तुम देखो तो. बेसिकली ये बुक हर कोई सॉल्व करता है, लेकिन जब हम थोड़ा सा इस बुक को सॉल्व कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये हुआ था जब मैं सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर पे पहुंच गया था, तब पता लगता है कि थोड़ा गलत वे था सॉल्व करने का. कुछ वीडियोस मैंने देखे कि अपने टाइम की मेरे को कैसे सॉल्व करनी चाहिए ये वाली बुक. और अगर तुम्हें अभी दिक्कत है तो तुम मेरी वीडियो देख सकते हो या किसी और की किसी की वीडियो से देख सकते हो कि कैसे इस बुक को सॉल्व करनी चाहिए. कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो इस बुक को सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उन्हीं बेसिक पॉइंट्स पे आज डिस्कशन रहेगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 बाय एचसी वर्मा सर. फर्स्ट इज थ्योरी. यार अब यहाँ पे इस बात को समझो कि ये बुक लिखी क्यों गई थी. अगर तुम एचसी वर्मा सर के इंटरव्यूज देखोगे तो उन्होंने कहा था कि वो अपने स्टूडेंट्स को रेसनिक हैलिडे वॉकर एक टाइम रिकमेंड करते थे कि तुम लोग ये पढ़ लो. बट होता क्या है कि जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाते थे, अब हर किसी को तो इंग्लिश नहीं आती यार, हर कोई इंग्लिश नहीं समझ सकता. कुछ लोग को हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, या इंग्लिश आती भी है तो एक मतलब बहुत हाई लेवल नहीं आती. वो फॉरेन ऑथर्स की बुक में ऑफकोर्स जो इंग्लिश रहती है वो थोड़ी ज्यादा हाई लेवल रहती है एज कम्पेयर जो हम इंडियंस समझते हैं. तो इसलिए उसको थोड़ा सिंपल करने के लिए सर ने ये बुक लिखी थी कि एक सिंपल लैंग्वेज जो हर किसी को समझ में आ जाए. और अगर कोई टीचर पढ़ा रहा होता है वो खुद की बुक से पढ़ाता है तो वो बेटर रहता है, स्टूडेंट्स को और ज्यादा फील आती है वो बुक समझने में. वरना अगर पढ़ा कोई और रहा है किसी और की बुक है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है. तो इसलिए सर ने बेसिकली ये वाली बुक लिखी थी, ठीक है, ताकि बंदर बंदर बना ले. और वो एक फील देता है हम इंडियन स्टूडेंट्स को कि यार ठीक है मंकी है तो इंडिया वाला फील आ गया. अब ये सेल्फ स्टडी वालों को तो जरूर करनी है थ्योरी, सेल्फ स्टडी वालों को तो डेफिनेटली करनी है. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं. हाँ कुछ लोग कहेंगे कि भैया मेरे पास सेंगेज है, अरिहंत है. देखो सारी बुक्स अच्छी हैं, ठीक है, बहुत लोग तुमको कहेंगे ये वाली खरीद लो, बट मैं पर्सनली यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहली बुक जो तुम्हें खरीदनी चाहिए वो यही वाली खरीदनी चाहिए यार. इसकी थ्योरी पहले कर लो, इसकी थ्योरी काफी कंसाइज है. लेकिन कंसाइज थ्योरी का एक फायदा रहता है कि अगर उसमें डीप जाते हो तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते हैं एज कम्पेयर टू वो जो तुम्हारी और बुक्स आती हैं. उनमें क्या होता है कि बहुत ही आसान लिख दिया रहता है, एक तरीके से स्पून फीडिंग टाइप हो जाता है. समझ आ रही होगी मेरी बात? तो ज्यादा दिमाग का यूज इस बुक की थ्योरी पढ़ने में होता है. तो सेल्फ स्टडी वालों को ये बुक जरूर करनी है. कोचिंग वाले इसको स्किप कर सकते हैं, कोचिंग वालों को टीचर्स ऑलरेडी थ्योरी समझा देते हैं. मैं उस पॉइंट में भी आऊंगा कि कोचिंग वालों को इस बुक में क्या सॉल्व करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. थ्योरी वो स्किप कर सकते हैं, कोचिंग वाले उनके समझा देंगे. हाँ कोचिंग वाले अगर रिकमेंड करते हैं तो तुम पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं. सेकेंड पॉइंट सॉल्व्ड एग्जांपल्स. सॉल्व्ड एग्जांपल्स इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो है उनका, जैसे एक इनकी एक्सरसाइज और सॉल्व्ड एग्जांपल्स, इनका लेवल ग्रेजुअली बढ़ता है, टफनेस लेवल, ठीक है. सॉल्व्ड एग्जांपल्स में पहले इजी क्वेश्चंस रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल रोटेशनल मैकेनिक्स की मैं बात करूंगा अगर, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वो जो तीन इक्वेशन होती थी उन्हीं को रोटेशनल एनालॉग में करके पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम करके ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाता है. और जनरली जो क्वेश्चन होते हैं इनके सॉल्व एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में वो चैप्टर के साथ लिंक्ड रहते हैं, अलाइन रहते हैं. मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर्स के टॉपिक्स होते हैं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहला टॉपिक अगर टॉर्क है तो एक्सरसाइज में, अरे पहला टॉपिक अगर टॉर्क है सेकंड एंगुलर मोमेंटम है तो एक्सरसाइज में भी पहले टॉर्क के रहते हैं सेकंड एंगुलर मोमेंटम के रहते हैं. उन्होंने बुक के स्टार्टिंग में ही लिख रखा है, बट उनका ये मोटिव नहीं कि तुम उसी तरीके से पढ़ो, तुम्हें थ्योरी पूरी पढ़नी है उसके बाद ही सॉल्व एग्जांपल्स करने. ऐसा नहीं कि टॉर्क का पढ़ लिया उसके बाद टॉर्क के क्वेश्चन करने चले गए, नहीं. उन्होंने साफ साफ अपनी बुक में मेंशन कर रखा है कि तुम अपनी थ्योरी पूरी पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन पे सॉल्व करो, ठीक. तो सेल्फ स्टडी वाले को ये करना है, कोई ऑप्शन नहीं, मैंने फिर बताया सॉल्व एग्जांपल्स करने ही करने हैं. हाँ अब इसमें वो सेंगेज अरिहंत वाली बुक्स का यूज तुम कर सकते हो, बट मैं पर्सनली फिर से ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहली बुक तुम इसी को फॉलो करो. सबसे पहले अगर तुम मेरी बात मानो तो इस बुक को दो बार सॉल्व कर लो, जेई एडवांस में फायदा होगा. मैंने जेई एडवांस में मेरे अराउंड 37-36 मार्क्स थे फिजिक्स में, ठीक, कम नंबर है मैं मानता हूँ, बट मैंने इस बुक को ही दो बार सॉल्व किया था और पीवाई क्यूज किए थे. इसके अलावा ऐसा कोई बुक नहीं पढ़ी थी, आई एन एडोफ के एक आध दो ही क्वेश्चन किए थे, बहुत ज्यादा टफ बुक है, मेरे से ज्यादा सॉल्व नहीं होती थी, तो मैंने इसी को दो बार किया था, ठीक है. बाकी कोई और बुक मैंने नहीं परचेज की थी.
और कोचिंग वाले फिर से इसको स्किप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो उनके टीचर्स ऑलरेडी एग्जांपल्स करवाते रहते हैं एक्सरसाइज में, वो जो एग्जांपल्स रहते हैं वो इस बुक से रहते हैं या फिर सेंगेज एरियंस वगैरह वाली बुक से रहते हैं, तो वो अच्छे लेवल के ही रहते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर वो फिर से कोई रिकमेंड करते हैं कि ये सॉल्व एग्जांपल्स, मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाया, ये सॉल्व एग्जांपल तुम्हें सॉल्व करना है, तो जाके उसको घर पे जरूर सॉल्व करना। और सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने का तरीका, पहले खुद से सॉल्व करो, नहीं होता है तो एक स्टेप देखो। अगर मान लो तुम 7 स्टेप का सॉल्यूशन है, तुमने 3 स्टेप तक सॉल्व किया, तो इसके बाद तुम्हें पूरा नहीं देखना, तुम 4th स्टेप देखो। 4th स्टेप देख लिया, उसको कॉपी में नोट डाउन किया, अब एनालाइज किया कि क्या मैं इस स्टेप के आगे खुद से बढ़ सकता हूं या फिर से मेरे को 5th स्टेप देखना है। 5th देखो, क्या सोचो 5th के बाद 6, 7 तुम खुद से कर सकते हो, अगर नहीं होता है उसके बाद ही पूरा सॉल्यूशन देखो। ये बेस्ट तरीका रहता है किसी भी सॉल्व एग्जाम, किसी भी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का। 3rd, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये इस बुक की मतलब खासियत है, मैं क्या बताऊं। कुछ लोग कहेंगे ठीक, एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव तो सब बहुत बढ़िया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फिजिक्स वाला फील देता है, जो तुम लोग फील की बात करते हो ना, ये फिजिक्स लवर्स के लिए होता है। मतलब जो इसके क्वेश्चंस रहते हैं यार, अगर तुम क्वेश्चन को रीड करोगे तो तुम्हें टाइम लगेगा, तुम सोचोगे पहले कि यार ये तो एकदम मतलब रियल लाइफ से ये क्वेश्चंस लिंक्ड रहते हैं तुम्हारे। मैं एक एग्जांपल बताता हूं तुम लोग को, किसी भी एक चैप्टर का, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ले लें, जैसे ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन नंबर 10, कि अ मेटालिक बॉब ए ऑसिलेट्स थ्रू द स्पेस बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, द ऑसिलेशंस आर मोर क्विकली डैम्प्ड व्हेन द सर्किट इज ऑन एज कंपेयर टू द केस व्हेन द सर्किट इज ऑफ। अब तुम सोचो, थोड़ा सा अपने माइंड को और इलैबोरेट करो, बेसिकली माइंड की एक्सरसाइज हो रही है तुम्हारी ये शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। इसमें तुम्हें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा एज कंपेयर टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, तुम्हें थोड़ी नॉलेज है, अगर मेंस लेवल पे बात कर रहा हूं, थोड़ी नॉलेज है तो फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन ये जो है और इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव टू आता है, ये दोनों काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं इन दोनों उसमें एक्सरसाइजेस में। जैसे कि ये लिखा है 3rd क्वेश्चन इसी चैप्टर का, द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ इट इज डिफ्लेक्टेड एंड रिलीज्ड इफ द एंड्स ऑफ अ कॉइल आर कनेक्टेड टुगेदर द ऑसिलेशन स्टॉप्स एट वंस, एक्सप्लेन। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भैया बहुत टफ है, कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत इजी है, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारी कैसी प्रिपरेशन है। मैंने पर्सनली ये सॉल्व नहीं किए थे, जब मेरी 12th एंड आ गई थी तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये सॉल्व करने चाहिए थे इससे, क्योंकि फिजिक्स का जो तुम्हारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा, 101% इंक्रीज होगा। अब जिसको टफ लग रहा है तुम स्किप कर दो, ठीक है, तुम्हारा ठीक है, कोई बात नहीं, स्किप कर दो, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें सारे करने। इसके कुछ आंसर्स आई थिंक सेंगेज एरियंस में दिए रहते हैं, शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन दिए रहते हैं, एज सच नेट पे भी आई थिंक ये अवेलेबल है, तुम देख लेना, वरना अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो तुम नेट पे उसके सॉल्यूशन देख लो, बट इसको स्किप नहीं करो, ठीक है। मैंने गलती की थी, मैंने कुछ ही चैप्टर्स के सॉल्व किए थे बाद में, तो इसको स्किप नहीं करना एज अ होल। 4th ऑब्जेक्टिव 1, अब यहां से मेन गेम स्टार्ट होता है इस बुक का। ऑब्जेक्टिव 1 इज मस्ट फॉर जेईई मेंस प्लस नीड एस्पिरेंट्स। ऑब्जेक्टिव 1 के जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया है, मतलब जेईई मेंस और नीट लेवल के सारे क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होता है जेईई मेंस और नीट में, विद सेम डेटा भी रिपीट होता है, ऐसी बात नहीं कभी कभी डेटा बदल देते हैं, वो डायरेक्ट इस बुक से उठा के जेईई मेंस में दे देते हैं। और ऑब्जेक्टिव 1 ही नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी जेईई मेंस में आते हैं, तुम देख लेना, ये मेरी गारंटी है, तुम सॉल्व एग्जाम्पल्स सॉल्व करना और फिर देख, फॉर एग्जाम्पल SHM चैप्टर, उसके जाके सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना और फिर देखना कि जेईई मेंस में क्या वो क्वेश्चन आया है या नहीं, राइट। सारे क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लेना। ऑब्जेक्टिव 1 में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे होते हैं जिसके लिए तुम्हें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे हाथ पीछे करके मस्त ऐसे सो के भी सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसे मैं रिकमेंड नहीं करूँ, जाके स्टडी टेबल पे बैठ के उसको सॉल्व करना, पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इट्स वेरी गुड, माइंड की फिर से एक एक्सरसाइज है। ऑब्जेक्टिव 2, ये इस बुक की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लगी एक्सरसाइज से भी ज्यादा, ऐसे क्वेश्चंस हार्डली किसी बुक में तुम्हें मिलेंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कोई भी बुक बेकार है या नहीं, फिर से मेरी बात समझो, बट ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें पहली बार अगर किसी ने यार इंडिया में एक फिजिक्स की बुक लिखी और इस लेवल के क्वेश्चंस लिखे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है यार, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, एंड इट इज मस्ट फॉर जेईई एडवांस्ड एस्पायरेंट्स। जो लोग जेईई मेंस या नीट एस्पायर कर रहे हैं वो इसको स्किप भी कर सकते हैं,
लेकिन एडवांस वालों के लिए ये कंपलसरी क्यों, क्योंकि ये एमसीक्यूज हैं बेसिकली, इसमें चार में से चार ऑप्शन भी सही हो सकते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है जिसमें चार में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, राइट right? मतलब बहुत डाइवर्सिटी है इन क्वेश्चन में और इनका भी टफनेस लेवल अच्छा खासा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जेई एडवांस वालों के लिए कंपलसरी है ये सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव टू। बट अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो अब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी फिर से इनकी बुक से पढ़ लो या किसी और बुक से पढ़ लो या कोई यूट्यूब पे लेक्चर देख लो, उसके बाद फिर से आओ फिर देखो क्या ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। इसको स्किप मत करना यार, ऑब्जेक्टिव टू को मत स्किप करना, ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू एक्सरसाइज इन तीनों को स्किप नहीं करना है। बात करें सिक्स पॉइंट की तो एक्सरसाइज इट इज मस्ट फॉर ऑल जेई एंड नीट एस्पायरेंट्स, ये मस्ट है सबके लिए और इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है या लॉगरिथमिकली भी बढ़ता है, मतलब एक लो लेवल से स्टार्ट होता है और हाई लेवल तक जाता है। जो आखिरी के सात आठ क्वेश्चन तुम देखोगे, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर उठा लो, सेंटर ऑफ मास ले लो, रोटेशनल मैकेनिक्स ले लो, इनके आखिरी के कुछ क्वेश्चंस ओलंपियाड वाले होते हैं, ओलंपियाड जे एडवांस। फॉर एग्जांपल रोलिंग मोशन में एक बॉल ऐसे नीचे आती है, आई थिंक 79th क्वेश्चन है, रुको मेरे को एक बार देख लेता हूं मैं कौन सा क्वेश्चन है। रोटेशनल मैकेनिक्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 79 जो है ये एक यूएस ओलंपियाड का भी क्वेश्चन है, मेरी बात समझ में आ रही है। और पुराने ओलंपियाड जो होते थे, जो इंडिया में होते थे, उनमें भी इस बुक के क्वेश्चंस पूछे गए, अब नहीं पूछे जाते, बट स्टिल तुम्हें इनके क्वेश्चन जरूर करना। एंड बता दिया मैंने लास्ट 7 to 8 क्वेश्चंस ऑफ सेम, कुछ चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, जेई एडवांस लेवल है, नीट और जेई मेंस वाले इसको स्किप कर सकते हैं, बट एडवांस वालों के लिए तो ये पूरी बुक तुम्हें करके ही जानी है। और अगर तुम्हारे पास कोई और सोर्स नहीं है या कोई और सोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मेरी तरह तुम इस बुक को दो बार सॉल्व करके फिर डायरेक्टली पीवाईक्यू उस पर जंप कर सकते हो। सो आई होप तुम लोग को इस वीडियो में मजा आया होगा, समझ आ गया होगा कि इस बुक को कैसे सॉल्व करना है। अगेन रिपीटिंग, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। इस बुक को बिना सॉल्व किए जेई एडवांस में मत जाना। और मैंने एक लिस्ट बना रखी है इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल्स की, क्योंकि अब 4 महीने रह गए तो इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, अगर तुमने पूरी बुक नहीं उठाई है कि एक्सरसाइज भी सॉल्व करें ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू, तो सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स करके जाओ। जेई मेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने इसके एक सीरीज बना रखी है ऑलरेडी, तुम मेरी वीडियोस में चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट भी मैं इसकी बना दूंगा, उसको डेफिनेटली सॉल्व करना। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।